हमारे भारत देश में बहुत दिनों से COVID-19 की सिचुएशन चल रही है और इस सिचुएशन में बहुत सारे बस ऑपरेटर्स ने अपने बस बिजनेस को गंवाया है। COVID-19 से पहले जो AC बसें चला करती थी, जैसे कि वोल्वो, स्कैनिया, टाटा, अशोक लैंड, भारत बेंज और बहुत सारे ब्रांड्स की AC स्लीपर कोच, AC सीटर कोच बसेस को नॉन AC सीटर कोच में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी ऑपरेटर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने अपने COVID-19 के नॉर्म्स को चेंज कर दिया है और इसी के चलते बहुत सारे ऑपरेटर्स अपनी AC बसेस को नॉन AC बसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी खास बस दिखाएंगे जिसे प्रीमियम बस से सीधा नॉन AC बस में कन्वर्ट किया गया है, पर वो अपने आप में ही खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न ट्रेवल्स की स्कैनिया 13.7 मीटर मेट्रोलिंक बस की। इनकी खास बात कर ले तो इस बस को आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके विंडोज जो है वो स्लाइडिंग विंडोज कन्वर्ट कर दिए गए है। जब ये गाड़ी कंपनी की तरफ से बंद कर आती है तो इसके जो विंडोज होते हैं वो सील्ड ग्लास पैनल होते हैं, यानी उसमें कोई भी सुराग या खिड़की वगैरह नहीं होती है। इसे कंप्लीटली सिंगल पीस ग्लास से कवर किया जाता है। दिखने के लिए तो ये बस नॉर्मल बस दिखती है, पर इसको अभी नॉन AC वर्जन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आप चाहे तो इस बस का उपयोग AC बस के माध्यम से भी कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ अपने विंडोज को क्लोज करके रखना है और आपकी AC बस तैयार है। अगर आपको नॉन AC माध्यम में यूज करनी होगी तो आप इसे खिड़की खोलकर नॉन AC माध्यम में यूज कर सकते हैं। अब इस गाड़ी के बारे में कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी का जो पूरा नाम है वो है स्कैनिया मेट्रोलिंक HD 13.7 मीटर। जी हाँ, HD का मतलब यहाँ पर होता है हाई डेक। हाई डेक का मतलब क्या होता है? ड्राइवर की जो सिटिंग पोजीशन होती है वो पैसेंजर से थोड़ी नीचे होती है, जिससे हम ड्राइवर नीचे और पैसेंजर ऊपर आपको ऐसा प्रतीत होता है। हाई डेक होने के कारण बहुत सारे इसके फायदे भी है, क्योंकि ड्राइवर का जो पोजीशन होता है वो बहुत नीचे होता है और ड्राइवर का पोजीशन नीचे होने के कारण ड्राइवर को रास्ता आसानी से दिखता है और उसकी आई लेवल भी काफ़ी मेंटेन होती है, जिसके कारण दोस्तों एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और ड्राइवर को एक बड़ा व्यू मिलता है गाड़ी चलाने के लिए। अभी हम जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। इस गाड़ी में आपको स्कैनिया का 13 लीटर का इंजन मिल जाता है जो यूरो 3 कंपेलेंट है। इस गाड़ी की इंजन पावर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 360 HP यानी 360 HP की आपको इस गाड़ी में पावर मिल जाती है, जो इस गाड़ी को एक अच्छी पावर और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको इस गाड़ी की पावर अच्छे से समझ नहीं आई होगी तो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। हमारी जो नॉर्मल अशोक लैंड कंपनी की बस होती है तो उसकी मैक्सिमम पावर लिमिट 250 HP यानी 250 HP है, पर जो इस बस के कंपैरिजन में 110 HP 110 HP कम है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि उस गाड़ी में आपको कम पावर मिलती है, बल्कि अशोक लैंड में आपको सेगमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा पावर ऑफर की जाती है। पर एक बात है, वो गाड़ी सिंगल एक्सल बस है जिसमें आपको दो एक्सल मिलते हैं, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल, पर इस गाड़ी में आपको तीन एक्सल मिलते हैं, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल और टैग एक्सल, इसमें आपको कुल 3 एक्सल मिलते हैं। इसके लिए आपको इस गाड़ी में पावर ज्यादा दी गई है जो इस गाड़ी के लोड को खींच सके। उसी के साथ साथ इस गाड़ी की गियर बॉक्स की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको स्कैनिया कंपनी का ऑप्टिकृत गियर सिस्टम मिल जाता है जो 8 स्पीड फुल्ली ऑटोमेटिक टाइप में आता है। इस गाड़ी की लेंथ एंड लंबाई की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 13.7 मीटर यानी 13.7 मीटर की लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात कर ले तो इस गाड़ी की विड्थ 2.6 मीटर की विड्थ है और हाइट की बात करें तो इस गाड़ी की हाइट 3.7 मीटर से। ये तो हो गई गाड़ी के डायमेंशंस की बात। अभी हम जानेंगे इस गाड़ी के फ्यूल टैंक के बारे में। इस गाड़ी में आपको 465 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, यानी इस गाड़ी में आप 465 लीटर तक डीजल डाल सकते हैं। और इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 2-3 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको मिल जाता है, यानी 2-3 किलोमीटर प्रति लीटर आपको इस गाड़ी में एवरेज मिलता है। और बात कर ले रेंज की तो एक सिंगल फुल टैंक में आप ऑलमोस्ट इसे 800-1000 किलोमीटर के आसपास चला सकते हैं, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ बात करेंगे इस गाड़ी के सीटिंग कैपेसिटी की तो इस गाड़ी में आपको 49 कार्प सपोर्ट सीट आप इसमें फिट कर सकते हैं, जिसे हम रिक्लाइनिंग सीट कहते हैं। और अगर आप इसमें नॉर्मल पुशबैक सीट फिट करते हैं तो आप इसमें ऑलमोस्ट 53 सीट तक नॉर्मल पुशबैक सीट इसमें आप फिट कर सकते हैं। इस गाड़ी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम यानी AC की बात कर ले तो कंपनी आपको दो टाइप के AC प्रोवाइड करती है। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है ईबेयर स्पेचर का और दूसरा AC ऑप्शन मिलता है थर्मो किंग का। इसमें से आप ईबेयर स्पेचर या थर्मो किंग चुन सकते हैं, पर मुझे इसमें से ईबेयर स्पेचर काफी अच्छा लगता है। अभी पूरे भारत में सेफ्टी को लेकर लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं और इसी के चलते इस गाड़ी में आपको बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम मिल जाते हैं, जैसे कि डिस्क ब्रेक, EBS इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम,
एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, रिटार्डर, एग्जॉस्ट ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स कैमरा, बस स्टॉप ब्रेक और हिल होल्ड जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको इसके हर किसी वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। अभी हम जानेंगे इस गाड़ी के कीमत के बारे में। स्कैनिया मेट्रोलिंक सीरीज में कुल 3 बसेस आती है, स्कैनिया मेट्रोलिंक HD 12 मीटर, स्कैनिया मेट्रोलिंक HD 13.7 मीटर और स्कैनिया मेट्रोलिंक HD 14.5 मीटर। इसके पहले वेरिएंट यानी 12 मीटर वेरिएंट की कीमत आपको 80 लाख से 90 लाख यानी 80 लाख से 90 लाख के बीच में आपको इस गाड़ी की कीमत आती है। दूसरा जो वेरिएंट है इसका स्कैनिया मेट्रोलिंक HD 13.7 मीटर जिसकी हमने अभी बात की, तो इस गाड़ी की कीमत आपको 1.2 करोड़ यानी 1 करोड़ 20 लाख से शुरू होती है और इस गाड़ी की कीमत खत्म होती है 1 करोड़ 40 लाख तक। और इस गाड़ी का तीसरा वेरिएंट जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा वेरिएंट है जो है स्कैनिया मेट्रोलिंक HD 14.5 मीटर। इस गाड़ी की लंबाई जो है वो 14.5 मीटर, इस बात को आप गौर कीजिए। इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 1.42 करोड़ यानी 1 करोड़ 42 लाख से इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है और खत्म होती है 1 करोड़ 50 लाख तक। पर इनकी बसेस को अभी आप खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बस कंपनी बंद कर दी है। स्कैनिया कंपनी की ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स वगैरह अवेलेबल है पर बसेस का प्रोडक्शन फिलहाल तो अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी बस कंपनी ने अपना बस प्रोडक्शन बंद कर दिया? जी हाँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं पर इसके पीछे जो दो मुख्य कारण हैं वो आपको हम आज बताएंगे। सबसे पहला कारण है लो सेल्स यानी कम बिक्री। भारत में बहुत सारे ऑपरेटर्स ने स्कैनिया बस को खरीदा जैसे कि SRS ट्रैवल्स, ऑरेंज ट्रैवल्स, नीता ट्रैवल्स जैसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने इनकी बसेस को चूज किया, फिर भी लो सेल्स तो मुझे कारण नहीं लगता है। पर चलिए हम एक मिनट के लिए मानते हैं कि इनका सेल्स, इनकी बिक्री कम थी, पर इसका दूसरा जो मुख्य कारण है वो है टेक्निकल फॉल्ट्स। जी हाँ, इनकी गाड़ियों में ऑपरेटर्स ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे जैसे कि छत टपकना। बारिश के महीने में गाड़ी के छत में एक छोटे छिद्रों से पानी टपकता था जो गाड़ी के पैसेंजर कैबिन में आता था जिससे पैसेंजर को तकलीफ होती थी, गाड़ी के सीट्स गीले होते थे और गाड़ी खराब हो जाती थी। ये कारण सुनकर आपको लगा होगा यार इतनी छोटी सी बात के लिए कंपनी क्यों बंद कर डाली, पर एक बात है, अगर किसी OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कंपनी के लिए गाड़ी बनाते हैं उस बॉडी बिल्डर के लिए तो ये बात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अगर हम चाहे तो टाटा मार्को पोलो जो है तो टाटा मार्को पोलो ग्रुप जो है वो एक बस बॉडी बिल्डर का ग्रुप है, तो इन्होंने जो बॉडी बनती है टाटा मोटर्स की तरफ से तो इनमें आपको छत टपकने की समस्या ना के बराबर ही होती है और कंपनी तरफ से जो बंद कर आती है बस तो उसमें ये समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसा कंपनी भी मानती है। तो ये एक प्रॉब्लम था और दो तीन छोटे मोटे कारणों की वजह से इन्होंने अपने सेल्स के ऊपर बहुत गिरावट देखी थी, तो इसी के चलते इन्होंने अपनी बस प्रोडक्शन कंपनी को बंद कर दिया। पर अगर इस प्रॉब्लम को आफ्टर सेल सर्विस में यानी सर्विसिंग के टाइम पे या कंपनी के शोरूम्स में अगर इसे सॉल्व किया जाता तो अभी भी ये बस कंपनी आराम से चल सकती थी। पर एक बात है, इनकी सिर्फ कंपनी का बस प्रोडक्शन बंद हुआ है, कंपनी बंद नहीं हुए, इनकी ट्रेलर्स, इनके ट्रैक्टर्स, इनके टिपर्स वगैरह अभी भी चालू है और उसी के साथ साथ इनके जो डीलरशिप वगैरह है वहां पर भी आपको इनकी सर्विस अभी भी मिल रही है। पर एक बात है, स्कैनिया कंपनी जब बंद हुई थी तो बहुत सारे बस ऑपरेटर्स, बस फैंस, बस एंथुसियास्ट और बहुत सारे लोगों को झटका लगा था क्योंकि ये कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस कंपनी की बसेस में उतनी क्षमताएं थी कि ये कंपनी की बसेस बाकी की बसेस को टक्कर दे सके। तो आपको क्या लगता है कि स्कैनिया कंपनी फिर से भारत में आनी चाहिए कि नहीं, और आपको स्कैनिया कंपनी की बसेस की कौन सी बात अच्छी लगती थी, और अगर आपने अगर स्कैनिया बस में सफर किया होगा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था तो वो मुझे कमेंट में जरूर लिखे, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यहीं पर रुकते हैं, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।